नमस्कार, अभिनंदन आदाब। मेरा नाम है दिव्यांशु तिवारी और स्वागत है आपका हमारे सबसे पहले YouTube वीडियो में, जो होने वाला है Q&A वीडियो, जो हमने अनाउंस करी थी 50,000 फॉलोअर्स स्पेशल Q&A वीडियो, जो मेरी लापरवाही की वजह से अभी 95,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और हमने वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो स्वागत है दोस्तों हमारे पहले वीडियो में और हम जवाब देने वाले हैं आपके सवालों के, काफी भर भर के बकचोदी वाले सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कुछ कॉमन से क्वेश्चन कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैं रहने वाला हूँ भाई उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में, मेरा गांव है और गोरखपुर में मैंने पढ़ाई की है और अभी फिलहाल मैं रहता हूँ प्रयागराज में। दोस्तों दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि भाई तुम क्या करते हो। भाई मैं दिन भर बकचोदी करता हूँ, बकचोदी के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर देता हूँ। पढ़ाई में मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लेकिन कब तक कर पाऊंगा इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है, भाई सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाथों की लकीरें देख के तुम बता सकते हो भाई, ठीक है देख लो। तो दोस्तों बकचोदी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आपके सवाल लेने, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या आता है। तो आप आकाश की वाणी, रोस्ट हाउस, बैडस आरपी और ये शाम और बहुत सारे क्रिएटर हैं, आप लोग सब लोग साथ में रहते हैं, बहुत बार कोलैब कर चुके हैं और एक्चुअली आप लोग के सबके 50,000-60,000 तक की फॉलोअर्स हैं और बैडस आरपी भाई के तो ठीक है। तो भाई अपना खुद का चैनल कब खोलो? दूसरी चीज़ आप लोग की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आपके कॉन्टेंट ऐसा है कि इंसान जो देखना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आइडियाज होंगे जो आप दिखाना चाहते हो और लाइक व्यूज डाउन जा रहे हैं उन पे तो आपने डाले, तो वो वीडियोस लाइक आप कब पोस्ट करना स्टार्ट करोगे? तो जैसा कि भाई आपका सवाल था कि YouTube चैनल कब आएगा, तो बस YouTube चैनल आ गया। और रही बात वैसी वीडियोस की, तो यार हम वैसी वीडियोस बनाते रहते हैं, जब हम वीडियोस डालते हैं तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि इस वीडियो पे इतने व्यूज आएंगे और बाकी अब YouTube चैनल आ गया है तो हम वो एक्सपेरिमेंट जो Instagram पे नहीं कर पा रहे तो अब YouTube पे करेंगे, बस देखते जाओ। दिव्यांशु भाई ये क्वेश्चन आपके लिए, आपका और जक्सन भाई का मिलन कैसे हुआ था ये बता दे भाई, बहुत बहुत मन है इस बात को जानने के लिए। तो भाई का सवाल है कि मेरा और रक्षक भैया का मिलन कैसे हुआ था। देखो दोस्तों अभी ऐसा वाला मिलन तो हुआ नहीं है और ना कभी ऐसा वाला मिलन होगा। हम कैसे मिले थे रक्षक भैया से, तो बात है उन दिनों की जब हमारे इंस्टाग्राम पे 4,000-5,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे और तब हम रैंट बनाया करते थे, तो उनको मेरी वीडियो किसी ने दिखाई थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे DM किया था, फिर हमारी बातें आगे बढ़ी और फिर हम मिले और कोलैब्स पे कोलैब्स कोलैब्स पे कोलैब्स एक एक हिट वीडियोस देते गए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब आप जो वीडियो बनाते हो वो भौकाली मतलब बवाल बनाते हो लेकिन व्यूज आपके उतने नहीं आते हैं जितनी अच्छी वीडियो होती है, तो आप कभी इसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होते हो कि मतलब आपके व्यूज बहुत कम आते हैं, लाइक्स भी कम आते हैं और आपकी वीडियो बिल्कुल बवाल होती है? तो भाई का सवाल है कि वीडियोज पे अगर व्यूज नहीं आते तो कैसा फील होता है? वीडियोज पे व्यूज जोक्स अपार्ट भाई, जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो हमें वीडियो से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जैसा चलना होता है चल जाती है, बस हम महादेव का नाम लेके वीडियो डाल देते हैं और लोगों को पसंद ऑलमोस्ट आ ही जाती है। आप सबका प्यार है, बस ऐसे ही प्यार बना रहे, कुछ सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। भाई मैं भी आपके जैसा वीडियो बनाना चाहता हूँ, कॉन्टेंट कहाँ से लिखूँ और एडिट कहाँ से करूँ? तो भाई अगर आप भी चाहते हो क्रिएटर बनना तो 1,000 रुपये मुझे पेटीएम करो और बना दूंगा। नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो अपने आस पड़ोस के लोगों को ऑब्जर्व करो, तुम्हारे आस पड़ोस में लोग इतनी ज़्यादा बकचोदिया करते हैं कि तुम्हें वहाँ से कोई ना कोई कॉन्टेंट मिल जाएगा, बस उसी को अपने वीडियोज़ में उतारो, अपना जेन्युइन कॉन्टेंट बनाओ, क्योंकि भाई अगर तुम किसी का कॉपी करते हो तो फिर लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे, वो उसी बंदे के पास चले जाएंगे। जेन्युइन रहो, रियल रहो, क्वालिटी तुम्हारी वीडियो की बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे तो क्वालिटी। तो दोस्तों अब लेते हैं कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस। इट्स सोना D0 ने पूछा है कितना कमाते हो? दो वक्त की रोटी के साथ जनता का प्यार मिल जाता है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए कलाकार को। अगला सवाल है लिटिल हंगरी पांडा पूछते हैं, भाई सेटिंग कैसे करूं हो नहीं रही है? भाई तुम्हें एक प्रो टिप दूं, ईस्ट और वेस्ट अपना हाथ इज बेस्ट, यश कात्रम TR 2005, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं भाई। तो भाई पूछते हैं भैया तुम्हारे चैनल का पासवर्ड क्या है प्लीज टेल। मेरे दोस्त ये राज की बात है और राज की बात को अगर राज ना रखा जाए तो फिर वो राज नहीं रह जाता है। नवीन तिवारी अल्फाज पूछते हैं भाई हस्त मैथुन क्या है? तो दोस्त हस्त मैथुन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने बंदूक को लेकर तब तक सहलाता है जब तक उसमें से गोली रिलीज ना हो जाए, गोली रिलीज होते उसे परम आनंद की अनुभूति होती है और इस प्रक्रिया को हम हस्त मैथुन कहते हैं। IM Nikhil 45 पूछते हैं भाई तुम्हारे इंस्पिरेशन कौन है जिसे तुम्हें इतनी मस्त वीडियोस बनाने के आइडियाज मिलता है? भाई इंस्पिरेशन सीरियसली बता दूं, आप सबके कमेंट है, जब आप सबके अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं भाई दिल बाग बाग हो जाता है, अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, बस
श्रेय अंश पूछते हैं, भाई कमला पसंद या विमल? शुद्ध प्लस। डिजाइन टॉकी पूछते हैं, भाई स्क्रिप्ट कहाँ से लिखते हो भाई यार? तो भाई अपने आस पड़ोस के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से आइडियाज मिलती हैं और बस वही चीज़ों को हम वीडियोज में उतार देते हैं बस। अंकित अग्रवाल 021 पूछते हैं, भाई वीडियोज बनाने की सबसे पहले इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। भाई लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम हमारे साइड से भी, और सबसे पहले वीडियोज बनाने की इंस्पिरेशन शुरू बकचोदी में किए थे भाई, अब मजा आ रहा है। सोनू ___3__5_8 पूछते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई नमक, मिर्चा, तेल, मसाला, आलू, बेसन, लौड़ा, लहसुन सब है, लगाओगे? इट्स त्रिपाठी 789 भाई पूछते हैं, व्हाई आर यू सिंगल, गिव मी थ्री रीजंस। डैनी, मिया खलीफा और लास्ट मेरी सबसे फेवरेट रिंकी भाभी। दीप नारायण साहब पूछते हैं, वीडियोस के अलावा तुम्हारा सेकंड करियर गोल और चॉइस क्या है? जॉनी सिंस को रिप्लेस करना चाहते हैं भाई, बस मौके की तलाश है। नॉट हिमांशु पूछते हैं, एमसी स्टेन और खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह बेटा जी जामकावला से हुई। सैयद सदार 17 पूछते हैं, एक मिमिक सीखने में कितना टाइम लग जाता है? भाई टाइम नहीं लगता यार, अगर हमें कोई कैरेक्टर पकड़ना है, जैसे सनी देओल का कैरेक्टर पकड़ना है, तो सारा दिन उसी कैरेक्टर में बात करेंगे, ओए मेरा नाम सनी है, अगर ज्यादा बोलो तो तेरी गांड मारूंगा, बस। सिंपल बॉय 0.2 पूछते हैं, आप इतना बढ़िया रील क्यों बनाते हो भैया? अरे भाई यही तो बात है बहनचोद, हम खराब रील बनाना चाहते हैं लेकिन मादरचोद पता नहीं कैसे बढ़िया बन जाता है। तो दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला यही खत्म करते हैं, काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पाए, पॉसिबल नहीं हो पाया भाई, उनको सॉरी एकदम दिल से, अगली बार कोशिश करेंगे कि आपका सवाल जरूर लिया जाए। और इसी के साथ हम अगले वीडियो का अनाउंसमेंट करते हैं, अगली वीडियो आएगी डॉक्टर विवेक लिंद्रा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट की वीडियो हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाबा जी का घंटी जरूर दबा देना और प्यार दिखाओ, जैसे इंस्टाग्राम पे दिखाओ वैसे अब यूट्यूब पे भी दिखाओ। चलते हैं, नमस्कार।